इलेवेंथ क्लास लिमिट्स। अब अंत में बात आ जाती है प्यारे बच्चों, वन हैंडेड लिमिट। लिमिट यानी कि अगर एक्स टेंस टू टू होता था तो समझ होता था एक्स इज नॉट एक्यूरेट इज इक्वल टू टू, वेयर एज वेरी क्लोज टू टू, आइदर स्लाइटली लेस और स्लाइटली ग्रेटर। अब इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि स्लाइटली लेस लेने का मतलब अलग है और स्लाइटली लार्जर लेने का मतलब अलग है। अगर आप किसी पर्टिकुलर वैल्यू से जरा सी कम पे लिमिट निकालते हो, पर्टिकुलर कम पे, उसे बोलेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, और जरा सी ज्यादा भी निकालोगे तो राइट हैंड लिमिट, पर वो जरा सी ज्यादा है, जरा सी पीछे होनी चाहिए बस। ओके, अब देखिए किसी पॉइंट पर अगर फंक्शन की वैल्यू नॉट एग्जिस्ट आ रही है, ठीक है जी, नॉट एग्जिस्ट आ रही है, तो आप जरा सी लेफ्ट और जरा सी राइट पर उसकी वैल्यू निकालिए। अगर वे दोनों सेम आ गई, इसका मतलब है पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी वैल्यू नहीं निकल सकती, पर उसकी लिमिटिंग वैल्यू पॉसिबल है। परंतु अगर LHL आ रहा है कुछ और RHL आ रहा है कुछ और, तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं है। ओके, इस बात को दोबारा सुनना चाहो तो बैक करके। ओके, एंड नाउ सीधा एक क्वेश्चन ले लीजिए, क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। ये ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट x टेंस टू 2 मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 डज नॉट एग्जिस्ट, इट हैज टू बी सो, ये एग्जिस्ट नहीं है। अगर एक्स अगर 2 ले तो डायरेक्ट तो 0.0 आ रहा है, नॉट एग्जिस्ट है। वो कह रहा लिमिट भी इसकी एग्जिस्ट नहीं है, अर्थात LHL कुछ और आएगा और RHL कुछ और आएगा। बस अब आपको LHL RHL कैसे निकालते हैं ये बताना रह गया मात्र, होता क्या ये क्लियर हो गया। अब बड़ी ही सावधानी पूर्वक इसको सुने, लेफ्ट हैंड लिमिट मैं कैसे निकालूंगा। एक्स की वैल्यू मैं 2 के अगल बगल नहीं, अब लेफ्ट हैंड लिमिट है तो 2 से जरा सी कम होती है, अगर उसके लिए हम माइनस है, एक्स टेंस टू 2 माइनस, इसका मतलब है अब हम एक्स की वैल्यू 2 तो रखेंगे ही नहीं, है 2 से सिर्फ जरा सी कम रखेंगे, ज्यादा नहीं, सिर्फ कम, वो भी बहुत ही जरा सी। और अब रख दो, देखो एक्स की वैल्यू 2 नहीं रख सकता ना, 2 से जरा सी कम, 2 माइनस समथिंग, दिस समथिंग इज वेरी स्मॉल, समझाई होगी बात, माइनस 2 एंड ऑल्सो 2 माइनस है, एक्स की वैल्यू 2 से जरा सी कम रखती है, वो जरा सी बहुत ही 0 के नियरली है, माइनस 2। टू माइनस 2 कैंसिल, माइनस एच का मॉड प्लस एच, पर नीचे तो माइनस एच ही रहेगा, एच एक्यूरेट 0 तो है नहीं, जो कैंसिल ना हो, कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 1, LHL इज माइनस 1। Now considering RHL and RHL, तो लिमिट x टेंस टू 2 से जरा सी ज्यादा रखूंगा मैं, और सिर्फ ज्यादा ही रखूंगा,
एक्स माइनस टू मॉड अपॉन एक्स माइनस टू, ठीक है, दिखना चाहिए ना, ठीक है, रख दो जी लिमिट, रखो जी एक्स की वैल्यू टू से जरा सी ज्यादा, माइनस टू, टू प्लस एक्स माइनस टू, वेयर एक्स टेंड्स टू जीरो, कैंसिल कैंसिल, एक्स जरा सा ज्यादा ही था, प्लस ही था, ऑलरेडी प्लस है, वो नीचे प्लस है, इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू टू रखने पर ये नॉट डिफाइंड है, जीरो बाय जीरो आ रही है, परंतु अगर इसकी वैल्यू में जरा सी कम रखूंगा टू से तो आंसर माइनस वन है, और जरा सी ज्यादा रखूंगा तो प्लस वन है, इसका मतलब इसकी लिमिट वैल्यू भी पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर LHL is not equal to RHL, therefore given limit is not exist. Okay? मैं चाहूंगा काम हो गया पूरा, that's all. पर मैं चाहूंगा आप उसकी गहराई में उतरे. देखिए गहराई में उतरना बहुत जरूरी है. एक्स की वैल्यू अगर जीरो होती तो क्या थी इसकी वैल्यू, मॉड जीरो माइनस माइनस टू का मॉड टू और नीचे माइनस टू, तो माइनस वन आती, माइनस वन आती, एम एस की वैल्यू वन रखता एक्स की, वन माइनस टू, वन माइनस टू, माइनस वन माइनस वन, ऊपर तो प्लस होने जाएगा, वन अपॉन माइनस वन माइनस वन, वन पे भी इसकी वैल्यू माइनस वन ही आ रही थी, टू पर नॉट एडजस्ट, टू पर नॉट एडजस्ट, इस पे कहीं इसकी वैल्यू देखने को नहीं मिलेगी. हाँ अगर मैं जरा सी भी कम रखता है टू से, एल एच एल निकाला ना टू से जरा सा कम रखे तो माइनस वन आ रही, यानी यहां तक टू पे नहीं आनेगी, पर इससे पीछे आप कुछ भी रख दो वैल्यू माइनस वन ही आएगी, कुछ भी रख दो, माइनस पच्चीस रख दो, माइनस पच्चीस माइनस दो, माइनस पच्चीस माइनस दो, माइनस सत्ताईस का मॉड अपॉन माइनस सत्ताईस, सत्ताईस बटा माइनस सत्ताईस, माइनस में नहीं आएगा, माइनस एक लाख रख दो माइनस ही आएगा. चलिए तीन रखिए, तीन माइनस दो अपॉन तीन माइनस दो, एक अपॉन एक, वन वन, यहां वैल्यू नहीं आएगी, बाकी चार पांच रखो तो वन ही आएगी, एक लाख भी रख दो चाहे वन ही आएगा. ऐसा ग्राफ ये है, ये है जी ग्राफ, जो निश्चित रूप से हिल गया क्या, जो निश्चित रूप से बीच में से टूटा हुआ है, दैट्स ऑल, ये एग्जिस्ट नहीं, एक्स इक्वल टू पर वैल्यू नहीं निकाली जा सकती. ओके इस तरह से आपको एल एच एल निकालना भी इंडिविजुअली, आर एच निकालना भी इंडिविजुअली आ चुका है, और अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो लिमिट एग्जिस्ट, नहीं आते तो नॉट एग्जिस्ट. एंड नाउ स्टार्ट योर एक्सरसाइज, गुड नाइट.